आज हम आ चुके हैं राजू गुप्ता बर्गर सेंटर पे। इनकी जो बर्गर है भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मेरे दोस्त लोग बता रहे थे बहुत ही अच्छा बर्गर बनाते हैं भाई 45 रुपीज़ में। जो इनकी सबसे मेन वेराइटी वाली बर्गर है भाई बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो भाई जिसको बर्गर पसंद है। देख ही सकते हो हमारा जो बर्गर है वो फ्राई हो चुका है। इस पर भैया अपना मसाला डाल रहे हैं, चाट मसाला। उसके बाद भैया इस पर डालने वाले हैं चटनी, जो इनकी हरी चटनी है, घर में बनाते खुद ही। उसके बाद ये हल्का सा पत्ता गोभी यूज़ कर रहे हैं इस पर। और फिर ये टमाटर ले रहे हैं, देख सकते हो 2 पीसेस इन्हें टमाटर के ले लिए हैं, छोटे छोटे से मतलब। और उसके बाद ये प्याज डालने वाले हैं, देख ही सकते हो आप लोग। प्याज काटने का भी तरीका इनका मस्त है, दो स्लाइड इन्हें प्याज के भी काटे हैं। और ये क्या डाल रहे हैं, और ये भैया ने डाल दिया पनीर, देख सकते हो भाई पनीर का छोटा ही टुकड़ा है लेकिन ठीक है, पनीर डाला है इनने। बाकी फिर ये भैया चीज़ है, भैया की चीज़ देख सकते हो भैया, चीज़ डाल रहे हैं इनकी। ये भैया यार बहुत ही मस्त बर्गर लगने वाला है मुझे तो। ये भैया ने चीज़ डाल दिया। उसके बाद ये डाल रहे हैं भैया मक्खन, बोले तो बटर, भैया ने डाल दिया बटर, एक साइड में चीज़ एक साइड में बटर। उसके बाद ये फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं अमूल की, वाह मज़ा ही आ जाएगा खाने में। और ये भैया की टिक्की है, देखो ये आलू की टिक्की है इनकी। ये भैया ने आलू की टिक्की डाल दी, फिर इसके ऊपर मसाला डाल दिया। और देखो यार इनने बना दिया बर्गर, और ये इनको बीच में से काट रहे खाने में ताकि अच्छा लगे। उसके बाद भैया का सॉस डालने का तरीका मस्त लगा, चटनी डाला और फिर से इनने मसाला डाला। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में और खाने में भी।